मिसेज नीता माने के यहाँ दो बारी अपनी पंजाबी खाने की केटरिंग करके आए हैं। अगर तो आपकी भी मशूक है तो ये छोले मत खाना, क्योंकि आप उस मशूक को छोड़ दोगे, इसको पक्की मशूक बना लोगे। इसी क्यों सब दा पियो हम हमेशा कहते हैं। दोस्तों जब भी पंजाब के अंदर स्वाद की जायकों की बात की जाती है तो याद किया जाता है जी पंजाब के बढ़िया ढाबों को। तो भाई साहब जब ढाबों की बात की जाती है तो सबसे पहला नाम आता है जी ब्रदर्स ढाबा का। अमृतसर के अंदर हेरिटेज रोड के ऊपर मैं हूँ और भाई साहब 100 साल पुराना एक ऐसा ढाबा है जो भाई साहब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसको यहाँ पे इतना ही प्यार देते चले आ रहे हैं। अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के स्पेशल देसी घी के तड़के और देसी घी के खाने। आ जाओ मेरे साथ। तो दोस्तों इस ग्रैंड किचन के अंदर हम आ चुके हैं। कहते हैं जी पंजाबी ढाबे की जो खुशबू होती है, जो तड़कों की वाइब होती है ना, वो देसी घी वाली, भाई साहब वो यहाँ आके फील कर सकते हैं। काश इस कैमरे के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता, यहाँ की जो खुशबू है वो हम आपको भेज पाता। इधर देखो भाई साहब, जरा ये देसी घी के तड़के लग रहे हैं और भाई साहब इतनी ग्रैंड किचन है, 100 साल पुरानी लेगेसी है। मैं कहता हूँ जी मज़ा ही आ गया, इस खुशबू के साथ आधा पेट भर जाता है। तो ये है जी यहाँ के ऑनर मैम हमारे साथ। मैम नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल और वेलकम टू ब्रदर्स ढाबा। और मैडम मैंने देखा पूरी रंगत सजाई हुई है आपने, एकदम भर भर के थालियाँ जो हैं वो सारी रेडी है, ये सब ऑर्डर लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये हमारे जो पंजाब की जो लेगेसी है ना हमारे ढाबे की, वो हमारे खाने से, और इसको जितने प्यार से हम बनाते हैं उतने प्यार से हम सजाते भी हैं खिलाने के लिए। क्या बात है। और एक एक करके सब्जियां तो दिखाइए आपके पास होता क्या क्या है। जैसे आप देख रहे हो बेन मैरी तो हमारी सजी हुई है अपने ऑथेंटिक पंजाबी खाने से, लेकिन जो हमारे ढाबे की जो हार्ट बीट है ना वो हमारी दाल रहती है। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी दाल से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। ये है हमारी दाल मखनी, 8-10 घंटे लेती है ये देग में पकने के लिए, और जो हमें रेसिपीज हमारे बड़ों ने दी हैं जिसे हमारे ढाबे की लेगेसी बनती है वो हमारी ये दाल ही है, तो ये हम इसको उसी तरह ही बनाते हैं। अरे क्या बात है, दाल जो है वो एकदम कमाल लग रही है। और ये दाल दो तरह की क्यों पड़ी है दीदी? नहीं ये दो है क्योंकि ये इसकी यहाँ पे इतनी डिमांड रहती है कि हमें ये ज्यादा से ज्यादा रखनी पड़ती है। अच्छा, तो है सेम दोनों? बिल्कुल बिल्कुल सेम है। इसको दो कंटेनर भर के रखते हो? बिल्कुल बिल्कुल, दो दो कंटेनर भर के रखते हैं ताकि ये कम नहीं होनी चाहिए। क्या जबरदस्त है जी। और जी उसके बाद आते हैं हमारे अमृतसरी चने। अमृतसरी चने जो है ये हमारे, इसकी ये इम्पोर्टेंस है, दाल से कम नहीं है इसकी भी। अमृतसरी जो छोले हैं ना वो बहुत पंजाब में फेमस रहते हैं, तो इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि हमारे कुलचे हो, परौंठा थाली हो, स्पेशल थाली हो, भटूरे हो, पूड़ी हो, ये हर चीज़ में हमारे अमृतसरी चने जाते ही जाते हैं। अमृतसर छोले के लिए तो हर दुकान जानी जाती है कि अमृतसरी छोले, अमृतसरी छोले। और अमृतसरी छोले में बड़े गाने बने कि अमृतसर दे छोले में खानिया तू धड़ाधड़ बोले ते मैं सहनिया। एक चीज और बताना दीदी, कितने क्विंटल छोले अमृतसर वाले डेली खा जाते होंगे? ढाबे पे तो मुझे लगता है 20-25 क्विंटल खा लेते होंगे, और बाहर तो कोई लिमिट ही नहीं है। क्या बात है जी। क्योंकि हमारे ना अमृतसर में जो भी खाना होता है ना उस पे हमारे बड़े ही हमें ये बात समझाते होते थे कि खान नू नजर नहीं लानी। क्या बात है जी, क्या बात है। इसके बाद रहते हैं ये हमारी येलो दाल, क्योंकि येलो दाल जो है कई बार लोगों ने काली दाल सुबह खा ली और रात को उनको थोड़ी लाइट फूड चाहिए, उसमें हमारी ये येलो दाल, दाल खिचड़ी, दाल चावल आ जाते हैं, दाल फुल्का आ जाता है, तवे का फुल्का भी मिलता है, तो वो लोग यहाँ पे खा के जाते हैं। और ये येलो दाल वाली जो हमारी थाली है उसका नाम हमने इंडियन रखा हुआ है, क्योंकि जो हमारे देश की और हमारे यहाँ की जो संस्कृति है ना उसमें दाल तो सबसे पहले आती ही आती है। क्या बात है जी, क्या बात है। आगे जी उसके बाद आ जाता है ये हमारा शाही पनीर। शाही पनीर जो है ये हमारे ढाबे की जो शान है, और किसी भी ढाबे में अगर आप उसके दाल और शाही पनीर से पता लगा सकते हो कि उस ढाबे का फ्लेवर कैसा होएगा। क्या बात तो है जी। ये दो चीजें हम हमेशा अपनी जो है वो बेस्ट रखते हैं। क्या बात है जी, एकदम शाही लोगों के लिए जबरदस्त वाला एकदम रिच ग्रेवी वाला शाही पनीर आ गया। इसकी ग्रेवी भी बिल्कुल काजू और मगज से बनती है, और देसी घी के इसको तड़के लगते हैं तो पंजाबी शान बन जाती है। जितनी खुशबू यहाँ से इस किचन से देसी घी की आ रही है ना, मैंने आज तक कहीं फील नहीं की। बिल्कुल, देखो हमारी जो ऑथेंटिसिटी है वो है ही हमारे घी से, और हमारे बड़ों ने एक चीज़ हमें हमेशा कहते होते थे कि थोड़ा खाओ पर चंगा खाओ, या अच्छा खाओ, थोड़ा सा चाहे देसी घी हर चीज़ में होना चाहिए। क्या बात है जी। और जी आगे बढ़े उसके बाद आ जाते हैं हमारे स्पेशल राजमा। राजमा जो है ना ये हमारे होते तो जम्मू वाले हैं, पर इनको जब पंजाबी तड़का लगता है ना तो ये इसको सोने पे सुहागा बना देते हैं। क्या बात है, क्या बात है दीदी। जितनी आपकी किचन ग्रैंड है उतनी आपकी बातें जो है उतनी निराली हैं।
आपके फूड का देख के तो मुंह में पानी आता है, आपकी बातें सुन सुन के मुंह में पानी आता रहता है। बिल्कुल, देखो खाना और खाने का जो मतलब जितने प्यार से हम खिलाते हैं ना वो बहुत मैटर करता है। और बड़े सारे जब बाहर से टूरिस्ट आते हैं ना, अलग अलग कंट्री से, कोई स्टेट से, जब वो ये दो दिन अमृतसर आके ये कह के जाते हैं ना, हमें ऐसे लगे किसी रिश्तेदार के घर खाना खा के गए, तो उससे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए कोई भी नहीं होती है। क्या बात है जी, नज़ारेदार एकदम बढ़िया राजमा देख लिए जी आपने, आगे जी और क्या मिलेगा? इसके बाद हमारे आ जाती है ये मलाई कोफ्ते की ग्रेवी। जितनी थिक शाही पनीर है उतना ही थिक ये मलाई कोफ्ते की ग्रेवी होती है। और इसमें जो मलाई कोफ्ते हैं ना, हम ऑन द स्पॉट डालते हैं ताकि वो हमेशा क्रिस्पी रहे। पनीर और काजू से वो हमारे कोफ्ते तैयार होते हैं। मुझे एक चीज बताइए, ये जो सारा रोगन दिख रहा है ये सारा का सारा देसी घी है? बिल्कुल, ये देसी घी। और ये हमने कभी भी अपना हमारा, आप अभी फूड ट्राई करोगे आपको ना उसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले ना ही एक्स्ट्रा घी दिखेगा। जो उसके पकने में जितना घी बन के बाहर आता है ना, वही हमेशा हमारे फूड में आपको दिखेगा। अरे वाह, कमाल के। ये देख लो जी, मलाई कोफ्ते की ग्रेवी जो है वो आप चेक कर लीजिए जी। आगे दीदी आगे क्या है? इसके बाद आ जाता है हमारा ये बटर पनीर मसाला। ये बटर पनीर मसाला के साथ हमारे कॉम्बोज बटर नान, चिली गार्लिक परांठे बहुत जाते हैं और बच्चों के ये बहुत फेवरेट रहते हैं। क्या बात है दी, ये चेक कर लीजिए जी, एकदम बढ़िया बटर पनीर मसाला। बटर पनीर मसाला की ये ग्रेवी है, इसमें पनीर मशरूम जो ऑर्डर होता है वो ऑन द स्पॉट, वो ऑन द स्पॉट अगर पहले डाल के रख लेंगे तो पनीर हलवा हो जाएगा, हलवा बन जाएगा, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आता। आगे जी, इसके बाद मैं आपको मिलाती हूँ ये हमारी पंजाबी कढ़ी। अच्छा, पंजाबी जो हमारे स्पेशल मिलवाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, इससे मैं इसलिए स्पेशल मिलाना चाहती हूँ क्योंकि ये जो कड़ी है ना, हमारे जितने सेलिब्रिटीज या कोई बॉलीवुड स्टार्स आए हैं उन्होंने इसको बहुत फेमस किया है। और मतलब बॉलीवुड स्टार्स भी यहाँ पे आते हैं खाना खाने के लिए। बिल्कुल, और एक मैं आपको और मेंशन करना चाहूंगी कि हम मिसेज नीता मानी के यहाँ दो बार अपनी पंजाबी खाने की केटरिंग करके आए हैं और वहाँ भी हमारे दाल चने कड़ी और बढ़िया आलू उन्होंने बहुत पसंद किए। तो मुंबई इंडियंस नीता अंबानी जी की है टीम आईपीएल के अंदर, बिल्कुल। तो उस टीम को खाना खिला चुके हो आप? टीम को तो नहीं, बट उनके घर में एंटीलिया में गणेश उत्सव पे हम गए थे और अभी जामनगर में उनके जो बेटे के फंक्शन थे वहाँ पे हम अपना पंजाबी खाना जो है वो प्रेजेंट करके आए हैं। तो और मतलब गुजरातियों को भी आपने फैन बना दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, पंजाबी तो वैसे ही आपको पता है जिथे चल जाए ना वो तो लोगों का दिल जीत ही लेते हैं। बहुत बढ़िया जी, ये है। और ये जी कढ़ी आ गई जी, एकदम बढ़िया ब्रदर्स। इसमें भी जो पकौड़े होते हैं ना, आपको उसी समय ऑन द स्पॉट जो है वो क्रंची मिलेंगे, मतलब क्रिस्पीपन होना चाहिए पकौड़ों में। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्रंच आना चाहिए। और उसके बाद आ जाता है ये हमारा देसी घी का दाल का तड़का। अरे भाई साहब, ये क्या था? ये हमारा फायर वाला तड़का है। देख के बाद जब दाल आती है ना, उसको जो एक वो प्यार वाला जो तड़का लगता है ना फायर का, वो हमारा ये रहता है। क्या बात है जी, क्या बात है, ये फायरी तड़का जो है वो तैयार किया जा रहा है और ये इस दाल में आएगा। बिल्कुल, ये दाल में आएगा, इस पे बस प्याज जाएगा, हल्का सा देगी मिर्च जाएगी, उसके बाद ये हमारा तड़का तैयार होगा। क्या बात है जी, ये देसी घी का स्पेशल तड़का जो है वो तैयार किया जाता है, इसका मतलब दाल को जो है वो तीन बार तड़का लग चुका है। दाल एक बार ही देग में तैयार होती है, उसके बाद उसको लगता है देसी घी का तड़का। इसके बाद अभी जो गार्निशिंग हमारी प्यार वाले तड़के की है ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब ये जो तड़का लग रहा है ये अमृतसर का प्यार लगने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देसी घी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये चेक कीजिए जी, अरे भाई साहब, ये है जी असली अमृतसर के ढाबों का प्यार, पंजाब का देसी घी वाला प्यार, ये आ गया जी दाल के ऊपर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये प्यार है। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताऊंगी कि हमारे ढाबे में हम हमेशा सबको कहते हैं कि 100 चाचा 1 प्यो, 100 डालडा 1 क्यों पर होना देसी चाहिए। क्या बात है जी, क्या बात है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आपके इस दाल के साथ आपको जो और मजा कराने वाले जो पंजाबी जो अमृतसरी कुलचे परांठे और लच्छे हमारे चिली गार्लिक परांठे है वो मैं दिखाती हूँ। मतलब तंदूरी सेक्शन? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे ढाबे का जो दिल है वो दिखाती हूँ। आओ जी आओ। ये जैसे आप देख रहे हो हमारा तंदूर का सेक्शन है और तंदूर को हमेशा अपने ढाबे का दिल कहते हैं क्योंकि जैसे एक जिसको दिल की जरूरत होती है वैसे एक ढाबे को तंदूर की जरूरत होती है। तो ये हमारे दो तंदूर जो है ये सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक चलते हैं। एक भी हमारे अमृतसरी कुलचे आते हैं बाहर और आप देख रहे हो ये अमृतसरी कुलचे आ रहे हैं और दूसरे में नान परांठे आते हैं। और एक चीज यहाँ पे और भी देखने वाली है कि जो ये दोनों का जो सेका होता है ना तंदूर का वो बहुत मैटर करता है। जो तंदूर में कुलचे का जो सेका होता है वो थोड़ा कम रहता है और जो नान और परांठों का जो सेका होता है वो अलग होता है। मतलब तंदूर के अंदर जो टेम्परेचर है वो मायने रखता है कि कुलचा कैसा बन के आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो टेम्परेचर मायने रखता है और उसी टेम्परेचर से रोटी से लेके कुलचे तक सारी चीजें होती है। और ये आप देख रहे हो ये किंग ऑफ अमृतसर है,
और ये अमृतसरी कुलचा है हमारा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे बटर नान, नान ये हमारा जो बहुत हिट जाता है, स्पेशली जो अमृतसर के बाहर से आते हैं ना टूरिस्ट, वो ये हमारे चिल्ली गार्लिक परांठे खाने ज़रूर आते हैं। तो ये हमारा चिल्ली गार्लिक परांठा रहता है। अरे वाह वाह। इसके अलावा ये हमारा बटर नान रहता है जिसपे पूरा देसी घी की मालिश की जाती है। अच्छा, नाम बटर नान और लगेगा देसी घी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देसी जितना देसी घी आप लगाते हो इतना डाइजेस्ट कैसे करना होता है? अमृतसर का देखो ये जो पानी है ना, ये मैं हमेशा जो भी आता है उनको मैं जरूर कहती हूँ कि यहाँ का जो पानी है वो अमृत है, और यहाँ की जो हवा है ना वो अपने आप में एक ब्लेसिंग है, तो वो सब कुछ डाइजेस्ट भी करा देती है और बहुत बहुत रहमतें भी होती हैं। बहुत बढ़िया। और ये लच्छा परांठा आ गया, और ये देखो जैसे ही देसी घी ऊपर लगता है ना तो चेहरा एकदम, मैं कहता हूँ परांठे का चेहरा खिल जाता है। खिल जाता है क्योंकि देखो पंजाब में ना, पंजाब के लोगों का भी चेहरा हमेशा आपने देखा होगा खिला खिला लगता है, तो देसी घी यहाँ पे रहता ही रहता है। देसी क्यों सबदा पियो हम हमेशा कहते हैं। क्या बात है जी। वाह दीदी, आज हमें क्या खिलाने वाले हो? आज मैं आपको खिलाऊंगी अपने ढाबे की जो हमारी स्पेशल पंजाबी थाली है, जिससे हमारे जो ढाबे की वो लेगेसी बनती है ना, तो वही थाली मैं आज आपको ट्राई कराऊंगी। वो भी देसी घी की होगी? बिल्कुल देसी घी। लगाइए जरा एक थाली, लगाइए जरा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ अपनी पंजाबी थाली, क्योंकि जब हमारा 100 साल पहले जो ढाबा जब शुरू हुआ था ना, तो शुरू में तो ये एक थाली हो चलती थी पंजाबी थाली, और उसके बाद बाद जैसे जैसे डिमांड ऑफ द टाइम थी ना, हमने मेन्यू बढ़ाते गए, पर इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना, ये तब से लेके अब तक मेंटेन्ड है। क्या बात है। तो उसके बाद सबसे पहले इसमें हमारी ये दाल मखनी आती है, इसके बाद आते हैं हमारे अमृतसरी चने, और साथ साथ जो है ना इसकी एक ही प्यार की जो गार्निशिंग है ना देसी घी की, ये एंड वाली ये साथ साथ इसमें चलती है। अरे भाई साहब, ये हर सब्जी के ऊपर ये देसी घी का तड़का फिर से आएगा। बिल्कुल, ये एक तड़का आएगा ही आएगा। और इसके साथ आती है हमारे ये शाही पनीर। अरे भाई साहब, अच्छा इसमें फिर से देसी घी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो एंड वाला जो प्यार होता है ना, ये तो बहुत ही जरूरी होता है। मैडम एक चीज यहीं रुकी, और मुझे प्लीज बताइए, इतना देसी घी आप लोगों को तो खिला रहे हो, आपकी सेहत देखकर मुझे नहीं लगता कि आप खाते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खाती हूँ, और ये मेरे को तो ये इतनी आदत पड़ गई है कि जहाँ भी जाओ ना अपने ढाबे का खाना हम कोशिश करते हैं पैक भी करा के लेके जाते हैं। अरे भाई साहब, और साथ में ये लच्छा परांठा भी आ गए। बिल्कुल, ये दो लच्छा परांठा आ गए, हल्की सी इस पे ये क्रीम की गार्निशिंग आती है शाही पनीर पे, और ये हमारी दाल पे साथ में ये थोड़ा सा गार्निशिंग, और ये हमारा हो गया। इसके साथ आता है हमारा ये पुलाव, इसके साथ आती है हमारी ये एक सैलेड की कटोरी, और थोड़ी सी हमें बनानी पड़ जाती है फिर जगह इसमें। अच्छा। तो साथ आ जाता है हमारा ये एक रायता और एक पापड़। मतलब की है कि थाली में जगह जो है वो कम पड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पेट में भी कम पड़ जाएगी, पर आपका दिल करेगा कि इसको छोड़े नहीं। क्या बात है, क्या बात है जी। तो ये हमारी पंजाबी थाली जो है ब्रदर्स ढाबे की 100 साल पुरानी लेगेसी है, ये थाली हमारी सज चुकी है जी, स्वाद चखना बनता है। लेकिन दीदी एक लास्ट बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तो पंजाबी थाली है, लेकिन ये इतनी सारी थालियाँ? ये सारी हमारी जो ढाबे में, मैंने आपको जैसे बताया डिमांड ऑफ टाइम जो हमारी रही है, हमें वो चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ी हैं, जिसमें हमारा ये तवा परांठा आ जाता है, क्योंकि लोग सुबह ब्रेकफास्ट में या ट्रेन में पैकिंग्स के लिए लेके जाते हैं, उनको ये तवा परांठे चाहिए होते हैं। दिल्ली वाले जो है ना, वो एक दिन जब खा लेते हैं ना परौंठे और कुलचे, उनको अगले दिन भटूरा चाहिए। तो अगर दिल्ली वाले 2 दिन अमृतसर हैं तो एक दिन भटूरा खाएंगे ही खाएंगे। मैंने तो ये सुना कि दिल्ली वालों की भटूरे छोले खाए बिना आंखें नहीं खुलती। बिल्कुल बिल्कुल, एक दिन तो अमृतसरी कुलचे से खोल लेते हैं, दूसरे दिन वो भटूरे से ही खोलते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। उसके साथ आते हैं हमारे ये अमृतसरी कुलचे, तो आपको पता है ये बैक टू बैक यहाँ जाते हैं। ये हल्का फुल्का कई लोगों ने पोहा इडली डाइट कॉन्शियस जो बहुत ज्यादा होते हैं, नहीं नहीं मैं तो खाती हूँ कुलचे, जब ढाबे पे खाना है तो फिर ढाबे का ही खाना है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आओ जी हम भी अपनी पंजाबी थाली का स्वाद चखते हैं। अगर आप भी अपने स्वाद के अनुसार कोई भी थाली खाना चाहते हैं तो अलग अलग तरह की वैरायटी मिल जाएगी। आइए स्वाद चखते हैं और आपको जायका बताते हैं जी कैसा होता है। थैंक यू दीदी। तो भाई साहब ये आ गई जी हमारी स्पेशल पंजाबी थाली देसी घी वाली। आज ना भाजी कैमरा दूर नहीं होना चाहिए, इधर लाओ, जरा इधर लाओ, ये देख रहे हो आप, ये देखो ये सारा देसी घी है भाई साहब। और ना पंजाब की हवा और पंजाब का पानी ऐसा है कि ये देसी घी डाइजेस्ट हो जाता है भाई साहब, इसके बारे में चिंता मत करना। और इधर भी छोले के ऊपर भी भाई साहब ये अलग से, और पनीर के ऊपर भी अलग से, पनीर है, दाल है, छोले हैं, रायता है, और ये साथ में पुलाव है और पापड़ सैलेड के साथ। ये देखो भाई ये लच्छे पराठे देखो। और भाई साहब इसकी खूबसूरती पता क्या है, एक तो देसी घी, दूसरी खूबसूरती ये चेक करो, एकदम बढ़िया ये देखो लेयर्स चेक करो भाई, एक एक लेयर में जो देसी घी का स्वाद है ना वो आएगा आपको एक एक बाइट में।
तो ये लेते हैं जी, एक बाइट बनाते हैं। भाजी बाइट बड़ी होनी चाहिए ना, सही बताओ, ये छोटी होगी यार, पंजाबी खाना हो और बाइट छोटी हो ये कैसे मज़ा आएगा। ये लेते हैं जी एक बड़ी सी बाइट, बड़ी बोला तो बड़ी लेते हैं। और इधर लाओ ज़रा पास से लाओ, और ये होगी जी साथ में दाल, और दाल मखनी नहीं है, ये देसी घी तड़का दाल है भाई साहब, स्पेशल देसी घी का, इसमें तीन बार तड़का है। ये एक बार देग में तड़का लगा, एक बार लगा जी जब इसको बाहर निकाला तो फ्राई पैन में तड़का लगाया, एक बार तीसरी बार जब सर्व किया उसके ऊपर देसी घी डाला। तो लो जी बाइट बनाई, और भाई साहब एक ही बाइट मुंह में जाती है और स्वाद इतना ज़बरदस्त वाला कि मज़ा आ जाता है। हमारे किसी पंजाबी सिंगर ने बड़ा खूब गाया जी, घूम के मैं देखा है दुनिया है सारी, शहर अमृतसर की कोई रीस ना। अब मुझे पता चला है कि भाई साहब ये बात उन्होंने क्यों बोली, क्योंकि जब ऐसे खाने ऐसे तड़के ऐसे स्वाद मिलेंगे ना, तो भाई साहब मैं अकेला नहीं पूरा जहान बोलेगा कि अमृतसर की कोई रीस ना। इसमें दो बातें खास होती हैं, यहाँ के खाने जो होते हैं वो प्योर होते हैं, देसी घी वाले होते हैं, और सेकंड यहाँ पे गुरु रामदास जी की जो अपार कृपा है ना भाई साहब, वो तो बरकरार है, उसी के लिए ये खास बन जाती है, ये शहर खास बन जाता है। तो लो जी अगली बाइट लेते हैं जी। कहते हैं जी यहाँ के छोले ना खाए ना आपने अमृतसर के अंदर रहते हुए, तो फिर अमृतसर वाले तो आपने, मैंने बताया ना अभी कितने क्विंटल छोले खा जाते हैं, 20-2500 मैडम ने बोला ढाबे पे खा जाते हैं लोग। इधर आओ जरा, ये देखो ऐसा खास क्या प्यार है, मुझे तो लगता है ये ना अमृतसर वालों की छोले जो हैं ये अमृतसर वालों की पक्की पक्की मशहूक है। तो लो हम भी खाते हैं जी एक बड़ी सी बाइट। भाई साहब अगर तो आपकी भी मशहूक है तो ये छोले मत खाना, क्योंकि आप उस मशहूक को छोड़ दोगे इसको पक्की मशहूक बना लोगे, स्वाद लाजवाब है। मैं कहता हूँ जैसे ही एक बाइट आगे बढ़ती है अगला खाना और स्वाद मिलता है। एक की तारीफ करूँ, दूसरी की करूँ या तीसरी की करूँ? भाजी इधर लाओ जरा, शाही पनीर भी लेते हैं जी। कुल मिला के ना ये खाना जो है वो सुपर से ऊपर है, सारा का सारा मैं फिनिश करूंगा, दो भाई मेरे साथ हैं, मेरी टीम है मेरे साथ, खाने को हम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको भी अगर ये बेहतरीन खाना खाना है, अमृतसर में आ रहे हैं कहीं बाहर वाले शहर से आ रहे हैं, तो आपको आना जी, एड्रेस मैं बता देता हूँ, हेरिटेज स्ट्रीट है, इसको टाउन हॉल बोला जाता है, ब्रदर्स ढाबा, एक बहुत बड़ा ब्रांड है भाई साहब, 100 साल पुराना ब्रांड है, 100 साल से ये किचन चलती आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी वही स्वाद ये लोगों को खिला रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग वही स्वाद ये खाने आ रहे हैं, टोटली अमेजिंग। मैं कहता हूँ जी आज की वीडियो में मुझे भी मज़ा आ गया, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना जल्दी से, और वीडियो को कर दो ना लाइक यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार बढ़िया बढ़िया वीडियो तो आने ही वाली है, आपका भाई जायकों के सफर पे निकलने वाला है, आपको भी लेके चलूँ, इसको लाइक करो, अगली वीडियो कल दिखाता हूँ, आ जाओ चलो।